बांग्लादेश में जो हालात बने हैं किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, ये इस बात का संकेत है कि तानाशाही जो है वो किसी भी देश में अच्छी बात नहीं है। वहां भी इसी तरीके से विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। जो मुद्दा है वो इस वक्त आरक्षण के मुद्दे को एक हवा दी गई वहां, और एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। जो चुनाव हुआ था वहां आपने देखा ही था कि कैसे चुनाव हुआ था, सारे विपक्ष ने बायकॉट किया था। तो मुझे लगता है ये एक सबक है पूरी दुनिया के लिए कि ऐसे जो शासन है वो ज्यादा लंबे चलते नहीं। नहीं, निश्चित रूप से अलर्ट रहना भी चाहिए, क्योंकि जो परिस्थितियां बांग्लादेश में है उसका असर निश्चित रूप से भारत की सीमाओं पर पड़ेगा। बांग्लादेश में जो हालात बने हैं किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, ये इस बात का संकेत है कि तानाशाही जो है वो किसी भी देश में अच्छी बात नहीं है। वहां भी इसी तरीके से विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। जो मुद्दा है वो इस वक्त आरक्षण के मुद्दे को एक हवा दी गई वहां, और एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। जो चुनाव हुआ था वहां आपने देखा ही था कि कैसे चुनाव हुआ था, सारे विपक्ष ने बायकॉट किया था। तो मुझे लगता है ये एक सबक है पूरी दुनिया के लिए कि ऐसे जो शासन है वो ज्यादा लंबे चलते नहीं। नहीं, निश्चित रूप से अलर्ट रहना भी चाहिए, क्योंकि जो परिस्थितियां बांग्लादेश में है उसका असर निश्चित रूप से भारत की सीमाओं पर पड़ेगा।